हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा है। ए टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन पैरेलल टू कॉर्ड एबी ऑफ ए सर्कल एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में एक कॉर्ड है एबी, सर्कल गिवन है हमें, उसकी कॉर्ड है एबी। इस एबी कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रा की गई है टीपी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। और हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट पी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि पी ए बी जो ट्राइंगल है वो हमें आइसोसेलेस प्रूव करनी है। तो जब भी हमें किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम उसकी दोनों साइड इक्वल कर देते हैं या फिर दो एंगल इक्वल कर देते हैं और उन एंगल्स के सामने वाली जो साइड है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड हमें गिवन नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी साइड का रिलेशन, अब हम एंगल को इक्वल करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि TP जो है वो AB के पैरेलल है, TP इज पैरेलल टू AB। तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल A जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। हम नंबरिंग कर लेते हैं, मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर जो एंगल 2 है ये एंगल इस कॉर्ड का इस टेंजेंट के साथ बनाया हुआ एंगल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये 3 डाल देते हैं, एंगल 3 और 2 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, सेकंड इक्वेशन। इस तरह से इक्वल है, जैसे मैं अलग से एक फिगर बनाकर आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम कोई कोण ड्रा करें, कोई भी कोण ड्रा करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो ये कोण जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है वो एंगल इसी कोण का अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी इस तरफ एंगल बना है तो इस तरफ का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जो कोण है हमारे पास, ये वाली कोण इस टेंजेंट के साथ एक एंगल ये भी बना रही है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट सेगमेंट अब इस कोण के इस तरफ बन रहा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट इस छोटे सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा इस कोण से उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस वजह से एंगल 3 और 2 इक्वल है। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, एंगल 1 है वो 2 के इक्वल, एंगल 3 है वो भी 2 के इक्वल। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 और 3 अगर इक्वल हैं तो PAB ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस होगी क्योंकि इन एंगल्स के सामने वाली साइड जो है वो बराबर होंगी। सो वी कैन से दैट PA इक्वल टू PB, so PAB is isosceles triangle। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है सवाल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।